तो छठ की शुरुआत हो चुकी है, पर यमुना अभी तक न तो साफ है और न ही पानी छोड़ा गया है। घाट पर अभी तक सफाई का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ। और समिति के सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी बैद्यनाथ झा ने। पूर्वांचल का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ आज शुरू हो गया है, लेकिन जिस घाट पर जाकर व्रती डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं उसकी क्या क्या हालात है उसकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ये आईटीओ का यमुना है और यहाँ पर गंदगी अभी भी भरमार है, पानी साफ नहीं है। खासकर पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है इस पर्व में, क्योंकि अर्घ उसी से दिया जाता है और इसी पानी में महिला तकरीबन जो व्रती महिला होती हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा खड़े होकर डूबते और उगे जो उगते सूर्य हैं उनको अर्घ देते हैं। घाट समिति के कुछ सदस्य यहाँ पर हैं। सर आप ये बताइए कि आज से शुरू हो गया है ऑफिशियली नहाए खाए के साथ, लेकिन अभी जो घाट की तैयारी है उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि पहली बार शायद है कि ऐसा है? कुछ है ही नहीं इस बार। इस बार दिल्ली सरकार का मैंने बताया अभी कि दिल्ली सरकार ने जो डिप्लॉयमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर्स को या उसने जो वर्किंग करी है उसका कुछ है ही नहीं इस बार, दिख ही नहीं रहा। जब कॉन्ट्रैक्टर्स को या उनके अधिकारी को बात करते हैं, उनके एई से कहते हैं, तो कहता है वो कोई समग्रवाल है, वो कहता है कि जी कर रहे हैं, करा रहे हैं, 16 घाट हैं। तो इस सरकार के सिस्टम का दोष है। पिछली बार निश्चित तौर पर इन्होंने बढ़िया काम किया था, उस बात से इनकार नहीं करते। हाँ, एमसीडी आज सफाई में दिख रही है, एमसीडी के लोग कल परसों भी दिख रहे हैं, बट जो फ्लड कंट्रोल जिसके पास ये छठ पूजा समिति की और रेवेन्यू विभाग, जो दो डिपार्टमेंट हैं जो वाइटल डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के, जो इन कामों के विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं, उनका कुछ वो है नहीं, प्रॉपर इनकी कोई वर्किंग नहीं है। हमने कई बार इनसे फ्लड वालों से कहा कि इसमें आप पानी छुड़वाएं, अगर फाटक उठा देंगे थोड़ी सफाई हो जाएगी। उसको वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उससे लेबर या जेसीबी जब भी जो बात करते हैं, बट ही इज नॉट डूइंग। सर क्या लगता है कि सिर्फ एक महापर्व घोषित कर देना या बता देना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लोग पहले बिहार या जो पूर्वांचल से लोग हैं वहाँ पर जाते थे, लेकिन अब दिल्ली में मनाना पसंद करते हैं, दिल्ली में रुकते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद तमाम व्यवस्था मिले। व्यवस्था से संतुष्ट है? व्यवस्था से तो इस बार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हर साल के बनस्पति इस बार एकदम ही व्यवस्था नहीं है। ये देख रहे हैं सारे हम लोग करवा रहे हैं अपने लेवल से, गवर्नमेंट का कोई लेवल नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। अगर आज और कल की बात करें, आज नहाए का कल खरना है, ये 2 दिन घर पे मनाया जाता है, लेकिन जो डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा समय है नहीं, लगता है कि तमाम चीज़ें पूरी हो जाएंगी? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि पानी स्वच्छ आएगा, आज छूट जाएगा, कल छूट जाएगा। मीटिंग में DM साहब ने बोला था कि 20 तारीख को हर हालत में पानी हथिया कुंड से छूट जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई साफ सफाई नहीं है। तो पानी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब जरा घाट की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। और पानी साफ नहीं है, वहाँ पर गंदगी है ही, लेकिन इसके अलावा अगर घाट की बात करें तो घाट पर भी अभी प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, वो भी तब जब आज से छठ की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं हो गई है। अब 2 दिन ही है जब व्रती महिला जो होती है जो छठ पूजा करती हैं वो घाट पर पूजा करती हैं, उसके अलावा डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए उनको यहीं पर आना है, लेकिन अभी भी साफ सफाई कहीं उस हिसाब से नहीं है जो अक्सर देखने को मिलता था। ऐसे में उन व्रती महिलाओं के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डूबते और उगते सूर्य को वो साफ सफाई की जो बात की जाती है छठ पर्व को लेकर उसमें क्या अर्घ दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज दिल्ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छठ पूजा शुरू हो गई है और हिंडन नदी पर भी हाल बदहाल नजर आ रहा है। छठ पूजा को लेकर तैयारियां जरूर चल रही थी, लेकिन नदी का पानी साफ करने की कोई कवायद दिखाई नहीं देती। जायजा लिया हमारी संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है और उसको लेकर छठ के लिए जो घाट बनाए गए हैं जहां पर छठ पूजा की जाती है वहां पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां हम इस वक्त मौजूद हैं हिंडन नदी घाट पर जहां पर छठ पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। तैयारियां इस मायने में कहा जा सकता है कि बांस वगैरह जो है वो लगाई जा रही है ताकि इससे आगे जो है लोग ना जाएं, क्योंकि पूजा होगी यहाँ इसी तरह नदी में उतर कर पूजा की जाएगी, डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह की तैयारियाँ यहाँ शुरू हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ गौर करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी को साफ करने का कोई काम नहीं किया गया है। हालांकि सुरक्षा
के लिए बंदोबस्त जरूर किए जा रहे हैं, नदी में बांस लगाए जा रहे हैं ताकि इससे आगे जो है लोग ना जाएं पूजा करते हुए। लेकिन नदी साफ रहेगी या नहीं, वो की जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। नदी का हाल आप देख सकते हैं, हिंडन नदी अभी भी कूड़ा करकट पूरी तरह से पानी में आप देख सकते हैं। जो पानी कभी साफ हुआ करता था अब इसका रंग ही बदलकर काला हो चुका है। तो चाहे हम बात करें दिल्ली की यमुना की या फिर हम बात करें यहाँ हिंडन नदी की, हालात जो हैं वो हर जगह बराबर ही दिख रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ज़रूर थोड़ी छठ पूजा को लेकर साफ सफाई की भी जा रही है किनारों से, लेकिन यहाँ पर तो हालात उससे भी बदतर दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियाँ छठ पूजा को लेकर ज़रूर की जा रही है, लेकिन नदी की साफ सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया गया है और हालात जो हैं आपके सामने हैं। कैमरामैन अनिल चौरसिया के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली। तो हालात कमोवेश वैसे ही हैं जैसे दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर नजर आ रहे हैं, वैसा ही कुछ नजारा गाजियाबाद के हिंडन नदी पर भी। पानी यहां का भी काला हो गया और संभवतः इस काले पानी में पैर रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये पानी इतना गंदा और मटमैला हो चुका है कि इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। और यही हाल दिल्ली की यमुना नदी का है और यही हाल गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी का। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल और केंद्र सरकार पर छठ पर्व के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक छठ पर्व के लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती थीं, लेकिन अभी तक यमुना नदी में अतिरिक्त पानी भी नहीं छोड़ा गया है। और कांग्रेस के पूर्वांचल के नेता महाबल मिश्रा ने यमुना में पानी छोड़ने के दावे पर राजनीति छोड़ने की बात कही। दिल्ली में छठ की लोकप्रियता का अंदाजा सरकारी तैयारियों और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर से लगाया जा सकता है। दिल्ली के सबसे बड़े पूर्वांचली वोट बैंक से जुड़े पर्व पर राजनीति होना भी लाजमी है। दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार छठ समितियों को भेदभाव से तैयारियों का फंड दे रही है। दिल्ली कांग्रेस ने छठ की तैयारियों में देरी का आरोप भी केजरीवाल और केंद्र सरकार पर लगाया। देखिए जिस तरह से छठ को जो कि दिल्ली में इतनी भारी संख्या में पूर्वांचल की जनता हैं और उनके साथ उनके सबसे महत्वपूर्ण ये त्यौहार हैं छठ, जिस तरह से छठ की राजनीतिकरण किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और इसमें पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। कांग्रेस के पूर्वांचल के चेहरे महाबल मिश्रा ने यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के दावे को सिरे से खारिज किया। महाबल ने बीजेपी के दावे पर चैलेंज दिया है कि 1 लीटर पानी भी अगर हरियाणा सरकार की ओर से छोड़ा गया है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। महाबल के मुताबिक बीजेपी पूर्वांचल वोटरों के सबसे बड़े पर्व से मजाक कर रही है। 1 सप्ताह पहले पानी छोड़ी जाती थी, कुछ पानी छोड़ी जाती थी हरियाणा सरकार से डिमांड करते थे तो पानी छोड़ी जाती, पहली पहले वो गंध सफाई होती थी, उसके बाद दूसरे फेज में पानी छोड़ा जाता था जिससे पानी जो गंदगी पानी मिट जाती थी और गंध मिट जाती थी, तीसरे फेज में स्वच्छ पानी होता था जिससे हम छठ मनाते थे। लेकिन पानी आज सुबह छोड़ा गया है, वो हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार जो स्टोर की थी वो पानी छोड़ा गया है। हमारा मांग है जो इसका हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया, जो 1 सप्ताह पानी पहले सरकार टू सरकार बात क्यों नहीं हुई। दिल्ली में इस बार 2×565 छठ घाटों पर तैयारियों का दावा सरकार कर रही है। 26 अक्टूबर के दिन शाम में दिल्ली का हर छोटा बड़ा नेता छठ घाटों पर दिखाई देगा। दिल्ली में लगभग 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर पूर्वांचल वोटर निर्णायक भूमिका अदा करता है, इसी कारण हर साल तैयारियों को लेकर सत्तारूढ़ दल खास प्रबंध करते हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।